हे एवरीवन, सो आज है 11 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। आज भी है, कल भी है, दोनों दिन। कुछ लोग आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, कुछ लोग कल रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो जिनको जैसा लग रहा है वैसा वो रक्षाबंधन मना रहे हैं। मैं आज मना रही हूँ। आज आज मेरे भैया आएंगे, मतलब मेरे दोनों भैया आ जाएंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैंने सारा काम कर लिया है, पूजा वूजा अभी जस्ट मैंने पूजा कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। एक्चुअली आज थर्सडे था तो आज पूजा का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और काम का है कि आज मैंने सारा काम किया, झाड़ू पोछा समथिंग, क्योंकि अभी 2 दिन के लिए आंटी छुट्टी पर चली गई हैं रक्षाबंधन का। तो फिर अभी तो फेस्टिवल तो सभी का होता है, इसलिए मैंने उनको ऐसे नहीं कहा कि आप नहीं जाइए या कुछ भी, तो वो चली गई। तो मैंने सुबह ही उठ गई थी तो बच्चों को स्कूल छोड़ करके, उनका आज नहीं, उनके उनके स्कूल में कल रक्षाबंधन की छुट्टी है और तिवारी जी के ऑफिस में आज रक्षाबंधन की छुट्टी है। तो तिवारी जी आराम से सो रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आए और वो सो गए। और बच्चों का कल छुट्टी है तो मेरी मतलब किसी भी दिन छुट्टी नहीं है। तो इसीलिए अभी मैंने दूध चढ़ाया है और एक तरफ मैंने दाल चढ़ाया है गैस पे। और अभी मैं हूँ अपने टाइम पे और ये देखिए मैंने अपना कवर्ड कितने अच्छे से समेटा नीचे से ऊपर तक। इसी बीच का पोर्शन मैस है जो मैंने अभी तक नहीं समेटा, अब आज या कल किसी भी दिन कर दूँगी। ये तो इतना अच्छे से मैंने अरेंज किया है कि मेरी मम्मी देखेगी तो बेहोश हो जाएगी कि मैं चीज़ें इतने अच्छे से रख भी सकती। उनको बिल्कुल मेरे पर भरोसा नहीं है, तो वो अभी वीडियो देख ले कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से रखती हूँ, तो इससे उनको अच्छा लगेगा, शायद उनको अच्छा लगे, पता नहीं अच्छा लगेगा या बेहोश हो जाएगी भगवान मतलब मालिक मम्मी और मेरी चाची लोग, वो तो बेहोश ही हो जाएगी सारे मिल करके, इसने अच्छे से सारी चीज़ों को अरेंज हुआ देखेगी। पर मैंने कर दिया, ऊपर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब फैली फैली लग रही, इतनी साड़ियाँ हैं नहीं, यहाँ कॉटन की हैं और आयरन नहीं हुई है इसीलिए फैली फैली दिख रही। तो उनको मैं भेजूँगी धोबी के यहाँ कल या परसों किसी भी दिन, आज तो नहीं, आज तो थर्सडे है। तो अभी मैं हूँ घर पे अकेले, मतलब तिवारी जी सोए हैं तो मैं अकेले ही हूँ। और चूँकि छुट्टी है तो बच्चे खेल रहे हैं नीचे, ये देखिए तो सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैं आराम से घूम रही हूँ। खाना चढ़ा दिया है तो उसको पकड़ के बैठने से तो अच्छा है कि मैं कुछ और चीज़ें कर लूँ। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत कोई और काम करने, कुछ भी कपड़े वगैरह समेट लूँगी इधर उधर, कुछ भी मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं तो वो मैं कोई भी काम कर लूँगी, मैं हाथ दर्द हूँ तो मैंने चेंज कर दिया या फिर थोड़ी देर में बैठ भी सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं 12:15। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल। लाइट चला गया है सो मैं खड़ी हूँ स्टेयर्स के पास और हम डिसाइड कर रहे हैं कि या हम लाइट आने का वेट करेंगे या हम अपने चरणों को तकलीफ देंगे और सीढ़ी से जाएंगे। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि हम लाइट का वेट करेंगे और हम आराम से लिफ्ट से जाएंगे, क्योंकि मैं तो कूढ़ी हूँ और वहाँ जो है वो सुपर कूढ़ी है। तो हम दोनों कूढ़ी कूढ़ी मिल के यहाँ पर घूम रहे हैं कि लाइट आएगा, लिफ्ट ऑन होगा तो हम जाएंगे। उससे पहले हम अपने चरण को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं देंगे। लाइट आ गई है, लिफ्ट ऑन होने में 1 मिनट लगेगा, तो 1 मिनट हम यहाँ खड़े रहेंगे या फिर बैठ भी सकते हैं, 1 मिनट भी हम खड़े नहीं होंगे। हम अपने शरीर को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, चलिए मिलती हूँ दोनों हीरा और मोती से 5 मिनट के अंदर, क्योंकि 5 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाऊँगी। ओके, तिवारी जी से हेलो, बड़ा ना हेलो। ओके, सो आ गए हम बेसमेंट में, इस भूताहे बेसमेंट में, ये भयंकर भूताहा बेसमेंट है। और अब हम चले अपने आफत विपत को लाने। तो मिलती हैं आप स्कूल में उनके साथ। आ गए हैं बच्चे स्कूल से, ये है इनका जूस जो इनको हमेशा चाहिए होता है, भले इनको खांसी हो सर्दी, बट इनको जूस पीना है। तो अभी हम चले घर। यस,
हो गया है जूस पीना शुरू, और इनको थोड़ा सा भी ये नहीं है कि आज रक्षाबंधन है। मैंने बेबी अच्छे से ड्रेस अप नहीं किया क्योंकि मैं खाना वगैरह बना रही थी, तो जब मैं खाना वाना अच्छे से बना लूंगी इनको भी खिला लूंगी उसके बाद मैं अच्छे से ड्रेस पहन के तैयार होंगी, तब तक मेरे भाई भी आ जाएंगे तो मस्त फिर रक्षाबंधन रक्षाबंधन होगा। तो आप आराम से 2 दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि आज ही मनाना है या कल मनाना है, जब आप कंफर्टेबल हो आप तब मनाएं, कोई टेंशन नहीं। हमारे इधर यही अच्छा है फेस्टिवल, हर फेस्टिवल 2 दिन होता है, जब आपका मन आप जब खुश हो उस दिन फेस्टिवल मना लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको घर पे और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है आज खाने में। ओके तब तक के लिए बाय। पकड़ो अच्छे से पकड़ो, टाइम पर राउंड नेक राउंड करो, मेरे प्यारा बाबू है ना। लेग नीचे करिए टाइम, इधर आके बैठिए, पहले टाइम पर राउंड नेक राउंड करो, फिर टाइम को ये रेड कलर हेड में लगाओ, लगाओ रेड कलर फिंगर से, गुड वाओ, ऐसे बेटा ऐसे। लो ये धुरवा सटाओ टायर को, बोले इसी तरह तुम भी हमेशा धुरवा की तरह रहना पाओ। हो गया टायर को, वाइट स्वीट थोड़ा सा खिला दो, इतना सा खिला, अच्छा नहीं है बेटा, अच्छे से खिला टायर, आ करो टायर रॉकी खिलाएगी, लो ये अच्छा है, लो हाँ येलो राइस देंगे पहले ये खाओ। गंदी बात, अच्छा छोड़ बताएंगे क्या, टाइम हैंड दो बेटा, हैंड हैंड लाओ, लो रॉकी ये टाइम को बांधो ऐसे पकड़ो, अच्छे अच्छे रॉकी को थैंक यू बोलिए, रॉकी को दे दीजिए पैसा, दीजिए रॉकी को, थैंक यू टायो, टायो को हगी करो, हगी करो टायो को, किसी दो टायो, रॉकी को किसी दो, ओ मेरा प्यार, गुड जॉब टायो, ये सब खा और ले लो हैंड में ले लो, गुड जॉब टायो। तो ये थे रॉकी और टायो जिन्होंने एक दूसरे को राखी बांधी। तो ये है हमारा आज का लंच, फ्राइड राइस, पूड़ी, पापड़, आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, मिक्स वेज और दाल तड़का। तो भैया लोग अभी आया नहीं है, तिवारी जी को लग गई है भूख, तो मैं जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए। सो एंजॉय योर लंच, मैं आपको फिर मिलूंगी जब मेरे भैया लोग आएंगे। गौरव भैया और तायो, इन दोनों की मस्ती बहुत जमता है इन दोनों में। तो तायो है वो गौरव भैया को पुश करने की कोशिश कर रहा है और वो इसको पुश कर पाएगा तो वो नहीं कर पा रहा है, तो बस वो गौरव भैया के साथ खेल रहा है। वो जब भी गौरव भैया आता है तो उसका बस उसका मतलब पूरा जो एक्टिविटी उसी समय दिखाई देता है जब गौरव भैया घर आता है, तो गौरव भैया का माथा पे चढ़ के घूमना है उसको अभी, ये इतनी मस्ती आप उसको किसी के साथ करते नहीं देखेंगे सिवाय गौरव भैया के, ये पापा के साथ खेल रही है। गौरव भैया खोल रहा है राखी तिवारी जी को बांधने के लिए, और मैंने दोपहर में दोनों भाई को राखी बांध दिया, दोनों भैया भैया भी आया है, भैया रेस्ट कर रहा है बहुत थक गया था, और गौरव भैया टायो के साथ खेल रहा है। तो बस यही है अभी तक का अपडेट, और मैंने बना के दिया है कॉफी गौरव भैया को और तिवारी जी को, और अभी तिवारी जी रक्षाबंधन मनाने वाले हैं गौरव भैया के साथ। एक्चुअली मेरी ननद अनुजी ने राखी दे दिया था, तो भैया राखी बांध रहे हैं और यहाँ बाबू तंग करते हुए, ये देखो राखी बांधते हुए गौरव भैया, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ और ये चल रहा है अभी का मस्त, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और टायो ने भी राखी बंधवा लिया है, ये देखिए उसका हाथ रेड रेड, रॉकी को भी मैंने राखी बांध दिया है, उसको भी गौरव भैया ने राखी बांधा, तो सब ने राखी बनवा लिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
और है हीरा वाला लगाओ ना ऐसे 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 पुश अप करो ऐसे करो लगाओ ऐसे लगाओ ये ऐसे दबाओ ऐसे दबाओ ऐसे दबाओ ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ये ऐसे करो मैं आ जाओ नहीं आप जंपिंग जगह One more. बैठ जाओ अब घोड़ा जंप करेगा Rocky jump. खाली ऐसे करेगा। आज है 12 अगस्त, दिन है शुक्रवार और मैं कल का ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने ब्लॉग इन नहीं किया था, भैया लोग आए थे, फिर राखी वाखी बांध के फिर थोड़ा देर सबने रेस्ट किया, फिर भैया को था फर्नीचर लेना था अपने न्यू फ्लैट के लिए, तो वो लोग सारे मतलब तिवारी जी भैया गौरव भैया सब मिलके चले गए थे फर्नीचर लेने। मैं घर पे थी, बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ा था और फिर मैंने घर, चूँकि आंटी नहीं आई थी तो मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता वैसे गंदा गंदा रहेगा। तो फिर भैया ने कहा था कि वो खाना खाएगा रात में, तो मैंने उसके लिए खाना बनाया, लेकिन किसी ने नहीं खाया क्योंकि सभी ने मतलब 4 बजे ही खाना खाया था तो नहीं लगी होगी भूख, इससे नहीं खाया। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा चाय वाय पिए, फिर हमने ढेर सारी गप्पे की, हम सब मिलते हैं तो हम गप्पे बहुत करते हैं, तो हमने गप्पे की। और ये पीछे रॉकी है, ये देखिए आ रही है, से हाय हाय बेटा। ये इसका मॉन्स्टर ट्रक है, ये दिखा रही है कि आप मॉन्स्टर ट्रक देख रही है। तो फिर उसके बाद हम रात में सब चले गए मूवी देखने, एक्चुअली 10 बजे का शो था। हम यहाँ गौर सिटी गए थे, हम गाज़ियाबाद नहीं गए, गाज़ियाबाद बहुत दूर हो जाता, तो हम गौर सिटी चले गए थे मूवी देखने। फिर हम रात को 2 बजे आए मूवी देख के, भैया तो 2:30 बजे घर पहुँचा होगा, तो हम 2 बजे आए थे गौर सिटी से मूवी देख के, फिर बहुत थक गई थी तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। हम देखने गए थे लाल सिंह चड्ढा, अच्छी मूवी है, इमोशनल है थोड़ा, और मतलब अच्छा हो सकता, थोड़ा और इमोशनल हो सकता था मूवी, बट फिर भी मूवी अच्छी है, देख सकते हैं। हम देख के आए, एक्चुअली मुझे रक्षाबंधन देखना था, उसमें थोड़ी कॉमेडी भी है बट उसमें कुछ ज़्यादा इमोशन है, तो भैया लोग बोल रहा था कि नहीं हम बिल्कुल भी वो नहीं देखेंगे, वो इमोशनल मूवी है तो आज मूड नहीं खराब करना है। और मेरा गौरव भैया थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, वो रोने लगता है, मतलब जोर जोर से रोने लगता है वो, तो इसलिए हम नहीं गए थे मूवी देखने। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 12:30, मैं उठी थी लेट क्योंकि हम सोए थे 3 बजे, उसके बाद फिर सुबह मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, सिर्फ दूध वाले भैया से मैंने दूध लिया और फिर मैं आके सो गई थी। फिर उठा, फिर घर क्लीन करके और बर्तन वगैरह तो मैंने रात में ही करके ही मैं गई थी क्लीन, तो फिर अभी मैंने चढ़ाया खाना, कल के कुछ खाना बचा है कल का, और आज का मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह थोड़ा और बना लिया है। अब मैं जल्दी से खाना खिलाऊंगी बच्चों को, फिर मैं कराऊंगी इनका ट्यूशन का होमवर्क और फिर इनको नहला के सुलाऊंगी। ट्यूशन का होमवर्क कराना ज़रूरी है क्योंकि इनका ट्यूशन ऑफ नहीं है, मैम ने बोला था कि वो ऑफ देंगी आज, बट मैंने बोला कि ज़रूरत नहीं है ऑफ की क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो बिना मतलब को ऑफ लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये रोज़ ट्यूशन जाते हैं ना तो इनका भी मतलब अच्छा रहता है, माइंड सेट रहता है कि इनको पढ़ना है, वरना इनका मतलब हो जाता है कि नहीं अब चलो अब सुबह उठे हैं, सुबह से लगे हैं मोबाइल में, तो पहले मैं इनको होमवर्क कराऊंगी, एक तरफ खाना बना रही हूँ एक तरफ होमवर्क करा लूँगी। आज है इनके स्कूल में रक्षाबंधन की छुट्टी, कल स्कूल खुला है
तो चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया कल क्या लेके आया था, क्या क्या लेके आया था, क्या नहीं लेके आया था, क्या क्या लेके आया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो भैया कल लेके आया था, सौरभ भैया गौरव भैया दोनों मिलके, क्योंकि मैं पूछ रही थी उससे कि हम घर पे हैं क्या जो इतनी सारी चीज़ें लेके आए, इतना कौन खाएगा, एक्चुअली कोई इतना मतलब क्या इतना कुछ खाने का ये नहीं करता है, इसीलिए फिर मैं दिखाती हूँ वो लोग क्या लाया था। ये जूस दो है, ये टायो और रॉकी का है, और ये वाइट रसगुल्ले, वो भी इन्हीं तिवारी जी और टायो का है, वो दोनों वाइट रसगुल्ला बहुत खाते हैं, रॉकी नहीं खाती है उतना। ये है फ्राइड गेहूँ, ये देखिए यहाँ लिखा है फ्राइड गेहूँ, तो मैं थोड़ा सा डाइट मेंटेन करती हूँ तो उसने मेरा इतना ज़बरदस्त मजाक उड़ाया। और ये है घेवर, घेवर मुझे खाना बहुत पसंद है, ये रबड़ी घेवर है, मतलब घेवर है और इसमें ऊपर से रबड़ी डाल दिया गया है, तो अभी मैं इसको फ्रिज में डालूंगी, ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसको खाने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये पीछे इसके नीचे से घी और इसका चाशनी गिर रहा है। और ये है कुकीज़, ये भी है कुकीज़, ये है रॉकी टायो का चॉकलेट कुकीज़, और ये मुझे पता नहीं ये क्या है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको। और ये सारे स्नैक्स हैं, मैं मिक्सचर खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इसमें मेरे सारे फेवरेट मिक्सचर हैं। और था कुछ कैश जो दोनों दे के गए हैं, और वैसे मैं ले नहीं रही थी पर वो ज़बरदस्ती दे के गए हैं, और उन्होंने बोला था कि मूवी देखने जाएंगे तो वहाँ खर्च करना, बट इतना रात हो गया था ना कि कोई कुछ खाने को तैयार ही नहीं था, तो सारे पैसे बच गए। वैसे मैं उनका एक दिन पार्टी दूंगी उन्हीं पैसों से, ऐसा मैंने सोचा है। तो इतनी सारी चीज़ें आई थी कल, अब ये ख़त्म कैसे होंगी पता नहीं। वो सारी मिक्सचर तो मैं खोल ही नहीं रही हूँ क्योंकि उसको मैं पैक रख देती हूँ, अभी मेरे पास ऑलरेडी मिक्सचर खुला हुआ है घर पे, तो जब ख़त्म होगा तब खुलूँगी। कुकीज़ सारे खुल गए हैं क्योंकि बच्चों ने और तिवारी जी ने ट्राई किया है, तिवारी जी ने घेवर भी खा के देखा, उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें रबड़ी था, बस थोड़ा सा बोला है कि इसको फ्रिज में थोड़ा सा डाल दो, ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टायो ने अभी तक रसगुल्ला खाया नहीं है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा डब्बा में क्या है। जूस बच्चों ने पिया है और मैं जा रही हूँ जूस फ्रिज में डालने, ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं पी के दो दिन में ख़त्म कर दूँगी, जूस पीने में मैं काफ़ी तेज़ हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स भी वो लेके आया था जो मैंने फ्रिज में डाल दिया है। तो ये थे रक्षाबंधन के गिफ्ट, और अभी ये मेरा रूम का डोर बंद हो गया है और रॉकी और टायो बाहर से नॉक कर रहे हैं कि देखिए भाग दी कि क्या मम्मी कहाँ चली गई। और ये देखिए किचन किस हद तक मैस हुआ पड़ा है, ये मिठाइयाँ मैं लेके आई थी राखी के लिए, भैया के लिए, गौरव भैया के लिए, बट उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ये सारी की सारी वैसे ही पड़ी हैं, मतलब अगर हमने खाया होगा मैंने तिवारी जी ने तो, और उस उन्होंने एक भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि सारी मिठाइयों को डब्बे में पैक करके मैं कल या परसों अगर गई भैया के पास तो उन दोनों को दे के आऊँगी, या गौरव भैया आया तो। और किचन किस हद तक मैस है आप देखिए, तो ये दूध बॉयल हो गया है और बन रहा है खाना, और अब मैं करेली भून रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस करेली भून के दाल में तड़का लगाऊंगी और फिर पूरी छान के सबको खाना दे दूंगी, बस यही है खाने का। मुझे बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि कल मेरा था फास्ट, कल था मेरा फास्ट, तो आज सुबह मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, मेरा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था जब मैं सुबह उठी थी तो, पर फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैंने घर का काम किया क्योंकि मुझे घर गंदा पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने घर पहले क्लीन किया। और बालकनी में हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है, मेरी आँखें नहीं खुल रही है, बहुत तेज़ धूप है। और ये मेरा रोज का मतलब ये सूखने देती हूँ, ये हवा से गिर गया है, नीचे भी गिरा है, और ये कपड़े इनको हटाऊंगी और बाकी कपड़े मैंने धुले हैं तो वो मैं इसमें डालूंगी। बस यही है अब का शेड्यूल, जब खाना बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या खाना बनाया। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को होमवर्क कराने ट्यूशन का, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन का होमवर्क नहीं किया है, स्कूल का भी नहीं किया है, बट पहले मैं ट्यूशन का कराऊंगी क्योंकि ट्यूशन अभी उनको जाना है। ये रहे उनके ट्यूशन के बैग्स, तो अभी मैं चली ट्यूशन का होमवर्क कराने और साथ में खाना रेडी करना है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने लंच टाइम पे और दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया, तब तक के लिए तो ये है हमारा आज का लंच, चावल मतलब जीरा राइस, तड़का करेले का भुजिया, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी कल की बची हुई थी वो है, और पापड़ और पूड़ी। सो इन्जॉय योर लंच, मैं आपको थोड़ी देर में। हे एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम निकले हैं घर से, हम आज फिर मूवी देखने जा रहे हैं रक्षाबंधन। तो कल की मूवी सबको बहुत बोरिंग लगी थी, तो आज सब थोड़ा सा इमोशनल और
फनी मूवी का प्लान बना के अभी सब हम लोग मूवी के लिए निकले हैं, मतलब हम यहाँ से निकले हैं, भैया घर से आ रहा है दोनों, तो अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए रक्षाबंधन। और खाना वाना हम सब खा मैं मतलब हम लोग खा के जा रहे हैं और सीधे मूवी देखेंगे और फिर तुरंत आ जाएंगे हम डायरेक्ट, तो ऐसा खाना का कोई प्लान नहीं, बस मूवी देख के हम आ रहे हैं। तो मैं आपको कल फिर मिलूंगी नए दिन के साथ, तब तक बाय, गुड नाइट।